दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कपूर। देखिए है ये आपके घर में आसानी से पूजा के घर में मिल जाता है, और इस कपूर से हम कैसे पौधों को सुरक्षित रखें। ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कपूर, और इसको हर पौधे में आप मिट्टी में आसानी से इजली रख सकते हैं। क्योंकि ये पौधा मेरा है गुड़हल का, थोड़ा सा ये फंगस से ग्रसित थे। मैंने एक कपूर इसमें डाल दिया, और अभी देखिए डाल देंगे हम। ये नींबू का पौधा है, थोड़ा सा फंगस जैसा उसमें लग रहा है, और एक कपूर इसमें भी देखिए रख दिया मैंने। इस तरह हम पौधों में कपूर रखेंगे। देखिए मैंने एक इसमें भी रख दिया कपूर, और ये मेरा थोड़ा सा ये बड़ा पेड़ है, इसमें लास्ट ईयर फल भी आए थे, अनार का है। एक कपूर की गोली यहाँ भी हम रख देंगे, ये देखिए रख दिया हमने। और ये देखिए कि ये थोड़ा फंगस से ग्रसित पेड़ है, तो एक गोली यहाँ भी रख देंगे, और इसमें भी एक गोली हम रखेंगे। ये देखिए मैंने रख दी। इस तरह आपको जहाँ जहाँ लगे, ये देखिए कि मेरा टगर का पेड़ है, गोली यहाँ भी मैंने रख दी है, और इस तरह से मेरा ये सब गुड़हल है, नींबू है, काफ़ी कुछ। एक गोली हम यहाँ भी रखेंगे, ये थोड़ा सा ग्रसित पेड़ है फंगस से, और लेकिन ठीक हो रहा है, ये ठीक जल्दी हो जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और काफ़ी कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। एक हम गोली इसमें भी रख देंगे, ताकि इस तरह आप कपूर से अपने पौधों की कीट और चींटियों से फंगस से सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत अच्छा कारगर उपाय है। 4-5 दिन के बाद आप दोबारा कपूर को रखें, क्योंकि ये धूप में उड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों।